मैं डॉक्टर सारिका साहू साईं बाबा वुमेन हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे पेनलेस लेबर यानी नॉर्मल डिलीवरी के आपके अनुभव को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस बारे में। सभी को ही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए एंड नॉर्मल डिलीवरी होना एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत से लोग नॉर्मल डिलीवरी के समय पर होने वाले दर्द से डर कर डायरेक्टली ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के समय पे होने वाले दर्द आपके लिए कम किए जा सके। वैसे तो बहुत सी मेडिसिंस होती हैं जिन्हें डिलीवरी के समय पे दिया जाता है ताकि आपको दर्द का कम पता चले, पर फिर भी और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं ताकि आपको डिलीवरी का दर्द कम महसूस हो। सबसे पहली बात, फियर। हम जिस चीज़ से डरते हैं वो हमें ज़्यादा महसूस होती है। अगर हम डरते हैं दर्द से तो हमें दर्द ज़्यादा महसूस होगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रांग रहना है। बहुत से लोग हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड होती रहती है एंड लोग उसे सहन कर पाते हैं। तो अगर आप स्ट्रांग बनेंगे तो आप भी नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को सहन कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच रखिए कि आप डिलीवरी के दर्द को सहन कर सकते हैं और आपका बेबी हेल्दी रहेगा एंड आपको भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब डिलीवरी के समय पे दर्द होता है तो हमें कंटिन्यूस मूवमेंट्स करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं मतलब हमें बेड पे लेटे रहना है। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपकी डिलीवरी जल्दी प्रोग्रेस होगी। तो आपको थोड़े थोड़े मूवमेंट्स डिलीवरी के समय पर करते रहना चाहिए एंड पोजिशंस चेंज करते रहना चाहिए। जो पोस्चर आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस पोस्चर में आप रह सकते हैं। बहुत से लोगों को लेटने से आराम लगता है, कुछ लोगों को साइड करवट लेटना अच्छा लगता है, कुछ को बैठना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा चलना फिरना अच्छा लगता है। तो पोजीशंस आप अपने हिसाब से चेंज करते रह सकते हैं जिसमें आपको कि दर्द का कम पता चले। पानी या लिक्विड्स, नारियल पानी, जूस, ऐसी चीज़ें ज़रूर फ्लूइड्स आप डिलीवरी के समय पे लेते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, उससे भी आप थक जाते हैं और पेन को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर आप कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना एंड जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चिल्लाना होता है दर्द की वजह से वो आपको नहीं करना चाहिए। उससे आप थक जाते हैं और डिलीवरी के समय आप कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। आपको गहरी सांस लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए एंड बहुत धीमी सी आप साउंड निकाल सकते हैं, बट बहुत तेज़ चिल्लाना अननेसेसरी अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी म्यूज़िक जो आपको पता है, जो आपको पसंद है, वो आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। कुछ अच्छे ऑडियोज़, कुछ अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। आप अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं। आप जितना अच्छा अच्छा सोचेंगे, अपना ध्यान आप दूसरी तरफ पे लगाएंगे, आपको डिलीवरी के समय का दर्द कम पता चलेगा। आप आने वाले बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, बच्चे के आ जाने के बाद आप क्या करने वाले हो ये आप प्लान कर सकते हो। पहले आपके जो अच्छे मोमेंट्स थे जहां आप कहीं घूमने गए थे वो आप सोच सकते हो। इससे आपको डिलीवरी का पेन कम पता चलेगा। इसमें एक अहम भूमिका होती है आपके रिश्तेदार की, जो कि डिलीवरी के समय आपके साथ में रहते हैं। ये आपको सोच विचार के डिसाइड करना चाहिए कि आपके साथ कौन रहने वाला है एंड उसे आपको लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सिंपल, वो आपके अगर हाथों पे मसाज करते हैं या सर पे सिंपल मसाज करते हैं, पैर के तलवे को थोड़ा सा घिसते हैं, उससे भी टच थेरेपी से आपको लेबर पेन्स थोड़े कम महसूस होते हैं। बैक पे भी मसाज करा सकते हैं डिलीवरी के समय पे। इसके अलावा आप पोजीशंस चेंज करते रहना हमेशा अच्छा होता है डिलीवरी पेन्स को कम करने के लिए। इंटरनल चेकअप्स तो डिलीवरी पेन्स के समय पे होते ही होते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना कोऑपरेट करेंगे उतना आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगे एंड आपको तकलीफ कम होगी। शावर ले सकते हैं, गर्म पानी का शावर लेने से, जो शोल्डर पे ऐसा बोला जाता है कि हॉट वाटर अगर पड़ता है तो आपको पेन्स के सेंसेशन थोड़े कम होते हैं, तो आप डेफिनेटली बाथ ले सकते हैं, शावर ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आप घूमते फिरते रहें वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जैसे बर्थ बॉल होती हैं जिसपे आप एक्सरसाइज के समय पे आपको एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है, तो आप बर्थ बॉल यूज़ कर सकते हैं, रॉकिंग चेयर आप यूज़ कर सकते हैं। हिलते रहने से थोड़े से आपको लेबर पेन्स थोड़े कम महसूस होते हैं। सो लेबर पेन्स आपको कम महसूस हो इसके लिए आप गर्म पानी की बॉटल से सिकाई भी कर सकते हैं।
सिकाई आपको पेट पे नहीं करनी चाहिए, पीठ पे कर सकते हैं। आइस पैक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आपको पेंस का कम पता चले। इसके अलावा एक एग्जैक्टली पेनलेस लेबर का ऑप्शन होता है, जो होता है इपीड्यूरल एनाल्जेसिया। ये एक प्रकार का रीजनल एनाल्जेसिया है। जैसे जब ऑपरेशन करते हैं तो आपके पीठ में एक सुई लगाई जाती है, जो एक अलग स्पेस में लगाई जाती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया उसको हम बोलते हैं, एंड जिससे आपका पेट का निचला हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है एंड आपका ऑपरेशन किया जाता है। उसी प्रकार से इपीड्यूरल एनाल्जेसिया में आपको एक पीछे इंजेक्शन लगा के एक ट्यूब रहती है, जिसमें हम समय समय से ड्रग्स देते रह सकते हैं, जिससे कि आपका पेट का निचला हिस्सा हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुन्न कर सकते हैं। एंड इसमें लगभग हम 80% के आसपास आपका पेन खत्म कर देते हैं। लेकिन हमें थोड़ा पेन आते भी रहना चाहिए ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आगे प्रोग्रेस कर सको, पुश कर सको, क्योंकि पेन्स हमेशा अच्छे होते हैं। पर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो लोग सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सिर्फ डर की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे लोग इपीड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए जाकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल ले सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी होते हैं, जो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं अपने डिलीवरी के समय पर। इपीड्यूरल एनाल्जेसिया का यूज़ करने के बाद भी अगर मान लो किसी कारणवश आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए, तो सेम एनेस्थीसिया में, सेम बेहोशी में आपको कुछ दवाई एक्स्ट्रा देके ऑपरेशन किया जा सकता है। इपीड्यूरल एनाल्जेसिया में थोड़ी प्रोग्रेस जरूर थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर आपका डिलीवरी का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि पेन्स आपको आने थोड़े कम होते हैं इसलिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड आप अपने डॉक्टर से इसको डिलीवरी के समय पर ज़रूर डिस्कस करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी बातें बताई गई हैं ये सब आपको पसंद आई होंगी, एंड आप इसको अपनी डिलीवरी के समय पे या अपने रिश्तेदार की डिलीवरी के समय पे इनको यूज़ करके देखिए, एंड अपने डिलीवरी के अनुभव को सुखद बनाइए। ऐसे एकदम बहुत दर्दनाक टाइप की डिलीवरी नहीं होना चाहिए, जो कि आपको हमेशा परेशान होते रहें आप, जिसको याद करके आपका डिलीवरी का अनुभव एक बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए, कि पेनलेस लेबर होना चाहिए, आपको पेन नहीं हुआ, एंड आपका बेबी एंड आप दोनों अल्टीमेटली फाइनली हेल्दी रहें, ये हमारी आशा है और उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।